नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये फियाट पुंटो डीजल है और इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल है, मतलब गाड़ी स्टार्ट होती है और तुरंत बंद हो जाती है। इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो फॉल्ट को एक्चुअली मैंने फाइंड आउट किया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये गाड़ी देखेंगे तो स्टार्ट हो गया, बंद हो गया। वापस एक बार मैं क्रैंक करता हूँ। यहाँ पे आरपीएम भी आप चेक कर सकते हैं। सेल्फ मारा, स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। और इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए मुझे टाइम गया, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट फॉल्ट बताता हूँ। और इसमें और एक है कि ये स्कैनर पे भी फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहे। तो ये फॉल्ट क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आपको मैं स्कैन करके दिखाता हूँ और उसको अपन एक्सटूल पी एस 70 प्रो स्कैनर के ऊपर उसको स्कैन करते हैं। और इसका ये बड़ी जो कपलर आता है यहाँ पे आता है फ्यूज़ बॉक्स के नीचे। जाते हैं डायग्नोस में और जाएंगे सीधा अपन यहाँ से, यूरोप से भी कर सकते हैं और इंडिया के फोल्डर में जाके भी फियाट इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया फियाट में जाते हैं। मैनुअल सिलेक्शन और ये पुंटो है तो आप पुंटो में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको लिनिया में करूँगा क्योंकि इसमें भी 1.3 जो मल्टी जेट क्वार्टर जेट इंजन आता है वो है इसमें, जो तेल लिनिया में। और अपन सिलेक्ट करेंगे 1.3 जेटीडी। ओके, तो आपका फियाट का, टाटा का, मारुति का समझो रहेगा, स्विफ्ट का वगैरह इंजन, तो आपको यहाँ पे 1.3 में ही जाना है। जाते हैं, ऑटो स्कैन करेंगे। और जाएंगे थर्ड ऑप्शन में, मरेली डीजल इंजेक्शन ईओबीडी इंजन 1.3 जेटीडी। डायग्नोस करते रियल ट्रबल कोड करेंगे। तो ये प्री हीटिंग ग्लो प्लग सिग्नल का आ रहा है, लेकिन इससे गाड़ी स्टार्ट होके बंद नहीं होएगी। ये प्रॉब्लम अलग है, इसकी वजह से गाड़ी बंद नहीं होती है। इसको बैक करता हूँ मैं, एक बार वापस क्लियर करता हूँ। और ये फॉल्ट भी क्लियर हो गया, अभी नो ट्रबल कोड है। तो जो हीटिंग का है, जो फॉल्ट कोड आ रहा है, उसकी वजह से गाड़ी बंद नहीं होती है। तो आपको मैं फॉल्ट दिखाता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसका मैंने पूरा देख लिया, फ्यूल पंप, हाई प्रेशर पंप सब ओके है, फिर भी ये गाड़ी बंद हो रही है। तो आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ और एक बार गाड़ी को सेल्फ मार्क के भी दिखाता हूँ कि ये कैसी बंद हो रही है। डीजल है, मल्टी जेट। तो एक बार उसको क्रैंक करते हैं। क्रैंक कर, मार सेल्फ मार। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गया, बंद हो गई। वापस एक बार मार सेल्फ। बंद हो गया, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो अभी आपको मैं डायरेक्ट फॉल्ट दिखाता हूँ क्योंकि वो स्कैनर पे उसका फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है। तो इसका मैंने फॉल्ट जो पकड़ा है, इसके लिए मैं जो इसका जो एयर मास सेंसर है, एयर फ्लो मीटर भी बोलते हैं उसको, एयर टेम्परेचर सेंसर भी, ऐसा भी फॉल्ट कोड आता है, लेकिन अभी इसमें नहीं आ रहा है। तो इस सेंसर को अपन एक बार डिसकनेक्ट करते हैं। तो आपको वन बाई वन करना है, लेकिन मैंने वो सब करके लास्ट फॉल्ट पर आ गया मैं। आपको ऐसा नहीं है कि जरूर इसमें ही फॉल्ट आ जाएगा, आपको और भी सेंसर कैसा चेक करने का ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ मैं।
कि एक 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 का डिसकनेक्ट करके आपको चेक करने का, क्योंकि वो इंटरनल का भी शॉर्ट रहता है तो गाड़ी ये आपको स्टार्ट करने नहीं देगा। तो इस सॉकेट को मैं निकाल लिया और अभी एक बार मैं गाड़ी को चालू करके देखता हूँ। सॉकेट हटा दिया मैंने। मार सेल्फ मार। ये देखो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये अभी बंद भी नहीं होएगी, ये अपनी गाड़ी कंटिन्यू स्टार्ट है। रेस कर, हल्का रेस कर कर। बस 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 बंद कर। और ये सेंसर इंटरनल शॉर्ट है, इसकी वजह से चालू नहीं हो रहे, तो मैं इसका एक सेकेंड दूसरा लाया हूँ, ये स्विफ्ट का है, तो इसको एक बार मैं लगा के देखता हूँ। ऑलरेडी फॉल्ट तो कंफर्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दूसरा भी फिटिंग करके गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। तो गाड़ी का जो एयर मास सेंसर है, एयर फ्लो मीटर सेंसर, उसको मैंने निकाल लिया और अभी ये जो दूसरा लाया हुआ है इसको अपन फिटिंग करेंगे। कि ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा रहता है कि और भी कोई फॉल्ट हो सकता है, इसके वजह से भी वो सेंसर का फॉल्ट आ जाएगा। तो आपको ये कंफर्म 100% दिखा दूंगा कि ये सेंसर की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि और भी कोई फॉल्ट होता है तो ऐसा आ जाता है, तो ये इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पर्टिकुलर उसका एयर मास जो सेंसर है उसका ही फॉल्ट कोड है। तो फाइनली वो जो दूसरा सेकंड था वो मैंने फिटिंग कर दिया। और इसका एक बार मैं सॉकेट लगाता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। मार सेल्फ मार। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये अभी गाड़ी बंद भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये अपना जो एयर मास सेंसर था वो इंटरनल शॉर्ट है, इसके वजह से गाड़ी को स्टार्ट नहीं हो रही, होने नहीं दे रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।